हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, आज इस वीडियो में हम देखने वाले बेस्ट मसाज थेरेपी फॉर लोअर बैक पेन। तो गाइज, काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर लोअर बैक पेन के लिए मसाज थेरेपी बताइए, तो आज वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हमें लोअर बैक पेन होता है तो उसके होने के पीछे काफ़ी सारे अलग अलग रीज़न होते हैं। हर लोअर बैक पेन का कॉज अलग होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो आज जो मैं मसाज थेरेपी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये मसाज थेरेपी अगर आपका लोअर बैक पेन हो रहा है और वो मसल के स्पाजम की वजह से, मसल के टाइटनेस की वजह से, अगर आपके लोअर बैक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ है, बहुत ज़्यादा टाइट है, और जब भी आप चेयर से उठने की कोशिश करते हो, सुबह नींद से उठने की कोशिश करते हो, उस टाइम आपको एक स्टिफनेस फील होता है और हल्का फुल्का सा पेन होता है, तो ये सारे कंडीशंस में ये मसाज थेरेपी आपको फॉलो करनी है। ये आप मसाज थेरेपी वहाँ का स्टिफनेस कम करेगी, वहाँ का स्पाजम कम करेगी, वहाँ का जो टाइटनेस है, डिस्कम्फर्ट है, वो सारा कम कर देगी और उसकी हेल्प से आपका लोअर बैक पेन कम हो जाएगा। बट गाइज, अगर आपका लोअर बैक पेन किसी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से, जैसे अगर आपको स्लिप डिस्क है, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, या एसआई जॉइंट प्रॉब्लम है, या कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको ये मसाज थेरेपी नहीं करनी। सबसे पहले आप आपके नज़दीकी जो डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट है, एक बार उनको जाके मिलिए। वो जो आपको डायग्नोसिस करेंगे उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज या जो भी उनका प्रोटोकॉल रहेगा वो फॉलो करने के लिए बोलेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो कि जो आपकी कंडीशन है उसको ठीक होने दीजिए, उसके बाद आप ये मसाज थेरेपी फॉलो कर सकते हैं। बट जिन लोगों को कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, उनका बस बैक में स्टिफनेस है, डिस्कम्फर्ट है, आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हो, ड्राइविंग करते हो, दिन भर बैठने का काम करते हो, या अगर आपको बहुत ज़्यादा खड़े होने का भी काम होता है, तो उसकी वजह से हमारे लोअर बैक के मसल्स टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और हमें पेन होता है। तो ये सारा पेन कम करने के लिए आज की मसाज थेरेपी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइज, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि जिन लोगों को लोअर बैक पेन होता है, स्पेशली इस वाले एरिया पे पेन होता है, जब भी हम चेयर से उठने की कोशिश करते हैं तब पेन होता है, जब हम सुबह नींद से उठते हैं तभी लोगों को इस वाले एरिया पे पेन होता है, या काफ़ी बार यहाँ पे जकड़न से फील होती है, स्टिफनेस फील होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों को यहाँ पे पेन होता है, स्टिफनेस फील होता है, उन लोगों के लिए ये पेन कम करने के लिए हमें मसाज कैसे करना होता है। अब गाइज, ये पेन होने का जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है वो आती है जो हमारे आईटी प्रोफेशनल होते हैं, जो बहुत दिन बैठने का काम करते हैं, या जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत देर पढ़ाई करने का काम करते हैं, उनको बैठना पड़ता है, या काफ़ी हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनका भी काफ़ी बार इस वाले एरिया के जो मसल्स होते हैं, हमारे लोअर बैक के जो मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है। इसीलिए जब भी हम स्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं या नींद में जब हम करवट बदलने की कोशिश करते हैं तो इस वाले एरिया पे पेन होता है या फिर स्टिफनेस होता है। तो गाइज, इस स्टिफनेस को कम करने के लिए आज हम देखेंगे कि मसाज थेरेपी हमें कैसे हेल्प करेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल को लेके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब गाइज, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जिन लोगों को लोअर बैक एरिया में स्टिफनेस होता है, यहाँ पे पेन होता है, बट अगर ये पेन मस्कुलर है, मसल के स्टिफनेस की वजह से हो रहा है, मसल के टाइटनेस की वजह से हो रहा है, नॉर्मल डिस्कम्फर्ट सा होता है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये मसाज थेरेपी आपको अप्लाई करनी है। अगर आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है और उसके रीज़न काफ़ी बार स्लिप डिस्क हो सकता है, या कोई एनी बोन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है या एसआई जॉइंट प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये मसाज थेरेपी अप्लाई नहीं करनी। बस आपको नॉर्मल स्टिफनेस है, यहाँ पे जकड़न सी फील होती है, नॉर्मल डिस्कम्फर्ट्स रहते हैं, तो आपको तभी ये मसाज थेरेपी अप्लाई करनी। तो गाइज, लोअर बैक पेन होने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, उसका ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को, जैसे मैंने बोला, मस्कुलर पेन की वजह से, मस्कुलर डिस्कम्फर्ट की वजह से यहाँ पे पेन होता है, उन्हीं लोगों के लिए मसाज थेरेपी अप्लाई करनी। अब इसमें और एक चीज़, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए मसाज के बाद, आपको इमीडिएट यहाँ का पेन कम होना चाहिए, तो आप इसके साथ एक चीज़ को ऐड कीजिए। जब भी आप मसाज करोगे उससे पहले आप वहाँ पर क्या करो, गर्म पानी की सिकाई करो, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड से करो, या फिर कोई गर्म पानी का बैग आता है उससे एक 10 मिनट के लिए आप पूरा सेक दीजिए। उसके बाद आप क्या करो, वहाँ पे मसाज करो, उससे क्या होगा, ऑलरेडी मसल्स हीटिंग की वजह से लूज़ हो जाएंगे और जब हम मसाज करेंगे तो रिलीफ अच्छा मिलेगा। तो गाइज, ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मसाज के पहले और मसाज के बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब गाइज, सबसे पहले हमने क्या किया, हाथ के ऊपर ऑयल को लगा के इस वाले एरिया पर अप्लाई करके लिया। आप ध्यान से देखिए, मैं सारे स्ट्रोक एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, आप वीडियो को बार बार देखिए, अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो वीडियो को रिपीट कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको कुछ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों थंब की हेल्प से जो हमारे ग्लूट्स वाले मसल्स होते हैं लोअर बैक के जस्ट नीचे, वहाँ से धीरे से दोनों थंब की हेल्प से ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोक लेंगे।
अब गाइज हम यहाँ पे मसल को वार्म अप कर रहे हैं, इसलिए अभी जो हम स्ट्रोक लगा रहे हैं, जो हम प्रेशर दे रहे हैं वो थोड़ा सा कम रखिए। जिनको भी आप मसाज दे रहे हो उनको एक बार पूछे कि प्रेशर कम करे ज़्यादा करे, एक बार उनका जो कम्फर्ट होता है वो आप ध्यान में ज़रूर रखें। अब काफ़ी बार लोगों को एक ही साइड पेन होता है, कुछ लोगों को राइट साइड पेन होता है, कुछ लोगों को लेफ्ट साइड पेन होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा चाहे पेन आपको कोई भी तरफ हो या दोनों तरफ हो, आप ये मसाज थेरेपी दोनों साइड पे, राइट पे भी और लेफ्ट पे दोनों साइड पे अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, थंब की हेल्प से लोअर बैक का जो एरिया होता है उसको हल्के से वार्म करके ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को मसाज, यहाँ पे वार्म अप करेंगे, यहाँ को मसाज करेंगे। अभी जब हम इसको वार्म अप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए प्रेशर थोड़ा कम रखना है, बाद में जैसे जैसे मसल वार्म होते जाएंगे, जैसे जैसे जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जो हमारे पेशेंट होते हैं, उनका कंफर्ट आते जाएगा, वैसे वैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। तो गाइस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो हमारा स्पाइन होता है, जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली प्रेशर नहीं लगाना, उसके साइड में जो मसल्स होते हैं जिसको हम पैरा वर्टिब्रल मसल बोलते हैं, उसी के ऊपर आपको प्रेशर लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप बैक का कोई मसाज कर रहे हो तो कभी भी स्पाइन के ऊपर या बोन के ऊपर आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना। तो ये हो गया हमारा वार्म अप। अब जैसे हमने क्या किया था, नीचे से ऊपर की तरफ गए, वैसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर फिंगर्स होते हैं उसकी हेल्प से यहाँ पे ऐसे रखिए, नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर देंगे। अगेन यहाँ पे आपको स्पाइन के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करना, जो उसके साइड वाले मसल्स होते वही रिस्पॉन्सिबल होते काफ़ी बार हमारे लोअर बैक पेन के लिए। तो गाइस अगर मैं जैसे मैंने बोला कि अगर आपका स्लिप डिस्क है उसकी वजह से बैक पेन हो रहा है, आपका किसी बोन की इंजरी की वजह से बैक पेन हो रहा है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, तो आप एक बार आपके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं मसाज तभी आप उसको मसाज करें। बट जनरल लोअर बैक पेन होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की वजह से भी काफ़ी बार लोगों को बैक पेन होता है, तो उस कंडीशन में मसाज थेरेपी आपको बहुत हेल्प करेगी। अब इस स्ट्रोक में मैं थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, फिर से हम इसको हल्का सा रिलीज करके लेंगे। अब जो हमारा थर्ड स्ट्रोक है गाइस, उसमें हम थोड़ा प्रेशर और बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अगेन थंब की हेल्प से थोड़ा डीप लेयर तक प्रेशर देंगे, थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे, जो हमारे ग्लूट्स मसल होते उसकी तरफ जाएंगे। तो गाइस जिन लोगों को लोअर बैक पेन होता है उस कंडीशन में उनके ग्लूट्स मसल और उनके हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऑलरेडी मैंने लोअर बैक पेन के जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो भी आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी काफ़ी सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे तो आपके लिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार चेक कीजिए। आप एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो कीजिए, उसके साथ जो मसाज थेरेपी आज हम दिखा रहे हैं इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए, ये दोनों का जो रिजल्ट रहेगा उसमें आपका बैक पेन 100% चला जाएगा। तो आपके लोअर बैक पेन में अगर आपके ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाता है, तो काफ़ी बार वो बैक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और उसकी वजह से भी लोगों को बैक पेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए बैक के साथ आपके जो ग्लूट्स मसल होते हैं, आपके जो हैमस्ट्रिंग होते हैं, उनको भी आपको रिलीज करना या उनका स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका स्ट्रेच कैसे करना है उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ है, मैं चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब मैं क्या करूँ, दोनों थंब को स्पाइन के दोनों तरफ रख के ऐसे प्रेशर दे रहा हूँ।
तो गैस काफ़ी बार क्या होता है, लोगों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है ना, तो वो रेड हो जाती है, बट वो डरने की कोई बात नहीं, एक दो दिन में वो रेडनेस चला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्ट्रोक लेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे एल्बोज होते हैं, एल्बोज का यूज़ करेंगे, एल्बोज को थोड़ा ऑयल लगा के लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो हमारे ग्लूट्स मसल होते हैं वहाँ से स्पाइन के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं रखना आपको, उसके जो साइड वाले मसल से वहाँ पे आप एल्बो को रखिए, धीरे से ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाना है, ऑलमोस्ट आपको बैक के मिड तक चले जाना है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो आपको प्रेशर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो डीप टिश्यू मसाज थेरेपी और स्पोर्ट्स मसाज थेरेपी हम लोग करते हैं उसमें हमेशा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, बट आप क्लाइंट के हिसाब से जितना उनको कंफर्टेबल है उतना प्रेशर अप्लाई करें। मैं दोनों तरफ से ऑलमोस्ट जो हमारा मिड बैक होता है वहां से लेके नीचे ग्लूट्स तक ऐसे प्रेशर लगा रहा हूं। तो गाइस मसाज के साथ साथ आपको दो चीजों का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइजेस भी करने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ आपको हीटिंग पैड थेरेपी भी बहुत हेल्प करती है बैक पेन कम करने में, गर्म पानी से वहाँ का स्टिफनेस कम होने लगता है, वहाँ के मसल्स खुलने लगते हैं, और वहाँ का जैसे स्टिफनेस कम होता है वहाँ का पेन भी कम होते जाता है। फिर उसके बाद हम आएंगे तीसरे में, जो हमारा मसाज थेरेपी जो आपको हेल्प करेगा आपका जो पूरा बैक पेन उसको निकालने में। मैं लास्ट में इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से